हेलो स्टूडेंट, बेलसरे क्लासेस मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण प्रॅक्टिस सेट 1.4 घेणार आहोत, जो की पूर्णपणे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर आधारित है पूरा। तो इससे पहले भी आपने रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल देखा है, अब देखना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है वो पहले देखते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.4 लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। पहले स्टार्टिंग में जो लिखा हमने रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, पहला दो ट्रायंगल हैं, एक एबीसी दूसरा PQR, इसमें AD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मतलब ये हाइट हो गई और ये बेस है। PS परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हाइट है और ये बेस है। तो ऐसे केस में रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू इसका बेस और उसी की हाइट BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। मतलब रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल मैंने सिमिलर नहीं बोला, दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। मतलब इसका बेस इसकी हाइट अपॉन इसका बेस और इसकी हाइट। इसको शॉर्ट में इस तरह भी लिख रहे हैं, A1 और A2 अगर दो ट्रायंगल का एरिया है तो एरिया का रेशियो B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। फिर कंसीडर दिस H1 H2 और ये बेस है B1 और इसको लेंगे B2। अब सिमिलर ट्रायंगल में क्या आता है देखो, अब आ रहे हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर वर्ड यूज कर रहा हूं, सिमिलर ट्रायंगल्स, ये ध्यान रखो सिमिलर ट्रायंगल्स है, यहां नहीं था वैसा। तो मान लीजिए दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, दो ट्रायंगल सिमिलर गिवन है, तो इस समय उसका एरिया का रेशियो मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR विच इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। देखो डिफरेंस, देखो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। यहां लिख देता हूं रेशियो, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे तब, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, ये ध्यान रखो स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये डिफरेंस ध्यान रखो पहले साइड्स, इस तरह जब दो, ये सिंपल अब उसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि A1 A2 एरिया है दो सिमिलर ट्रायंगल का और S1 और S2 आर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो इसको इस तरह भी लिखेंगे A1 अपॉन A2 एरिया का रेशियो S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, इस तरह लिखेंगे क्योंकि S1 और S2 साइड।
साइड लिए, ठीक है। अब ये दोनों में डिफरेंस देखो, इसमें और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जबकि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर रहेगा। मतलब ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, ये तीनों रेशियो इक्वल है। कभी कभी क्या होता है, ये एरिया गिवन रहता, ए बी गिवन रहता, पी क्यू फाइंड करना है तो इतना ही लेना है, ये दो नहीं लिया तो भी चलेगा। कभी क्या रहता है, क्यू आर गिवन है, ये दो गिवन है, बी सी फाइंड करना है, तो ये दोनों का कुछ काम नहीं है तो यही रेशियो लेना है आपको। ये तीनों इक्वल है, उसमें से कोई भी एक ले सकते आपकी आवश्यकता अनुसार। अब आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है देखो, यहां लिख देता हूं। जब कभी भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, ये नोट ध्यान रखो, अभी कंफ्यूजन नहीं होने को ना, नोट, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, अभी तक क्या पढ़े अपन, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, अभी एरिया का थोड़ी देर स्टॉप कर दो। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, सो एबी अपॉन पीक्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, शॉर्ट में लिख देता हूँ, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट एंगल ए, कॉन्ग्रुएंट एंगल पी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल आर। और थर्ड पॉइंट अभी ऐड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ध्यान रखो, जब एरिया, जब कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर रह गए, सिमिलर अगर गिवन है तो ये तीन कंसेप्ट आप ले सकते हैं। अब कभी कभी साइड पूछा है, सिर्फ दो ट्राइंगल सिमिलर है, साइड पूछा है तो ये वाला कंसेप्ट लेना है, एंगल पूछा है तो ये वाला लेना है, और एरिया के बारे में है, दो ट्राइंगल सिमिलर है और एरिया फाइंड करना है या फिर गिवन है तो एरिया का कंसेप्ट लेंगे। तो ये ध्यान रखना है, दो ट्राइंगल जब भी सिमिलर हो गए तो ये तीनों में से आपको कौन सा कंसेप्ट यूज करना है उसको देखना है। आप देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। फर्स्ट प्रॉब्लम है द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। साइड का रेशियो गिवन है 3:5। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल 3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया, एरिया का रेशियो फाइंड करना है। अब एबीसी पीक्यूआर नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसको कंसीडर करेंगे। लेट एस वन एंड एस टू विद करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल एस वन एंड एस टू विद करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल एंड ए वन एंड ए टू विद करस्पॉन्डिंग एरियाज विद with their areas respectively, ठीक है। तो यहां आपको गिवन है, साइड का रेशियो गिवन है, क्या गिवन है, एस वन अपॉन एस टू गिवन है 3:5, दैट इज 3/5, और फाइंड करना है ए वन अपॉन ए टू एरिया का रेशियो। अब आंसर लिखेंगे, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पे दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, देयरफॉर ए वन अपॉन ए टू एरिया का रेशियो, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, एस वन स्क्वायर अपॉन एस टू स्क्वायर। सो ए वन अपॉन ए टू, दिस अगेन वी राइट एस वन अपॉन एस टू का होल स्क्वायर, दैट इज कितना गिवन है 3/5 का होल स्क्वायर, सो वी गेट ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू 9/25। लास्ट में आंसर लिखना है, सो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ
टू सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल कितना 9:25, A1:A2, एरिया का रेशियो आ गया आपका 9:25। अब देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम में क्या गिवन है, दो ट्राइंगल सिमिलर गिवन है ना, और साइड का रेशियो अच्छा एक्टिविटी है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर, दो ट्राइंगल सिमिलर है और ए बी इस्टो पी क्यू इसका रेशियो गिवन है 2:3, ये कंप्लीट करना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन विच इज इक्वल टू 2² / 3² एक्टिविटी है, कंप्लीट करना है। अब इसको कितना आ रहा है यहाँ लिखना है, बस बहुत ही सिंपल है, ये तो सबसे सिंपल है, ठीक है। देखो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, वी राइट AB² / PQ², उसके बाद BC² / QR² छोड़ दो, इसका काम नहीं है, AC² / PR², ये भी छोड़ दो, तो लेना है आपको AB² / PQ², ये हो गया। नाउ ए बी अपॉन पी क्यू रेशियो है 2, ए बी इज टू बी दैट इज 2/3, 2² और 3² 2² 4 हो गया और 3² हो गया 9, सो एरिया का रेशियो आ गया 4:9। अब थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ बहुत सिंपल प्रॉब्लम है कुछ कुछ, हाँ थर्ड प्रॉब्लम में गिवन है अगेन दो ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, दो ट्राइंगल सिमिलर है, थर्ड नंबर का प्रॉब्लम बता रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 80 और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना है 125। यहाँ पे भी आपको एक्टिविटी कंप्लीट करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल which is equal to 80/125, therefore AB upon PQ which is equal to, ये फाइंड करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताता हूँ, इस तरह देखो दो ट्राइंगल सिमिलर है, फिर यहाँ फिलअप करेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR गिवन है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियो एरिया का रेशियो, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, किस तरह लिखेंगे ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, रीजन लिखते जाओ सिमिलर ट्राइंगल। अब देखो एबीसी का एरिया कितना गिवन है, ये रेशियो गिवन है डायरेक्टली 80/125 विच इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड करके 16 आ गया, तो ये आ गया आपका ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16/25, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, अभी ए बी अपॉन पी क्यू, इसको सॉल्व कर दिया पहले अपन ने 4/5। अब फिलअप करेंगे क्या क्या लिखना है, देखो इसका सॉल्यूशन निकालो पहले, दो ट्राइंगल सिमिलर है सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आएगा 80 गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू कितना आ गया 4/5, इस तरह अब इसको कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम,
ट्रायंगल LMN सिमिलर ट्रायंगल PQR 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, मतलब इसका रेशियो आप निकाल सकते हैं। इसको इसके नीचे लिखो, इसको इसके नीचे लिखो, मतलब एरिया का रेशियो आपको यहां से मिल जाएगा। QR 20 है और MN फाइंड करना है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर है, सॉल्यूशन देखते हैं। ट्रायंगल LMN सिमिलर ट्रायंगल PQR, दो ट्रायंगल सिमिलर है, सो एरिया का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। हर बार आप जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शन में ले सकते हैं, एंगल कंपोनेंट ले सकते हैं और एरिया का रेशियो। तो आपको यहाँ एरिया फाइंड करना है, एरिया गिवन है, साइड फाइंड करना है, तो एरिया से रिलेटेड कंसेप्ट लेना है। दो ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू LM स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, यही चाहिए। नो LM ये भी नहीं चाहिए, LM स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर ये लिख सकते हैं, MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, देखो ये चाहिए दोनों, है ना। और थर्ड वाला है LN स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, तीनों में से एक, तीनों इक्वल है, एक रेशियो लेना है, ये वाला लेंगे MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। आपने तीनों लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे लिख सकते हैं तीनों रेशियो। थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हाँ नाउ क्या गिवन है देखो, अभी आपको गिवन है 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR विच इज इक्वल टू 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, दैट इज ये नंबर इसको नीचे लिखो 9 अपॉन 16 विच इज इक्वल टू एज इट इज, इसके नीचे लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अगर डाउट है तो चेक कर लो, देखो 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू 16 इंटू, हाँ इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसके नीचे लिखा, मतलब ये जो रेशियो है ये गिवन है आपके पास 9/16, ये दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो है 9/16। और क्या गिवन है, और गिवन है QR इक्वल टू 20 और MN तो फाइंड करना है, यहां रख दो। therefore this become this ratio is 9/16 which is equal to ये 9/16 MN square, find करना है MN square upon QR square, मतलब 20 का square। अब यहां observe करो आप, ये 3 का square है, ये 4 का square है, ये 20 का square है, MN square है, square root ले लो, थोड़ा और lower step लिखते हैं, 3 square 4 स्क्वायर MN स्क्वायर 20 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या बचेगा 3/4 विच इज इक्वल टू 3/4 MN अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4 MN इज इक्वल टू 3/20, सो MN इज इक्वल टू 3/20 डिवाइडेड बाय 4 फाइजा दैट इज 15, सो MN आ गया आपका 15, यूनिट नहीं है रहने दो ऐसे, इतना आ गया। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल गिवन है, दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया गिवन है, साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली दिस फर्स्ट ट्रायंगल इज ग्रेटर क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, एंड देन फाइंड द करस्पोंडिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। अब एबीसी पीक्यू और नाम मत लिखो, A1 A2 S1 S2 ले लो, ठीक है। लेट A1 एंड A2 be the areas of two similar triangles यहाँ पे A1 greater than A2 है ना, इसका पहले का एरिया ग्रेटर है, बड़ा ट्रायंगल है। S1 and S2 be their corresponding sides,
corresponding sides, S1, S2 side. तो यहाँ पे S1 जो है ये bigger triangle की साइड है और S2 जो है smaller triangle की साइड है, ठीक है. तो आपको given है, क्या given है देखो, A1 given है 225, A2 given है 81 square centimeter, इसको भी लिखेंगे यूनिट 225 स्क्वायर सेंटीमीटर. और क्या गिवन है, S1 साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, ये स्मॉलर है तो ये मतलब S2 गिवन है, S2 कितना 12 सेंटीमीटर है और S1 आपको फाइंड करना है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, ठीक है. तो दो ट्रायंगल सिमिलर है, नाउ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, and two triangles are similar, so ratio of their area A1 upon A2 is equal to S1 square upon S2 square. Reason लिखना है, theorem of areas of similar triangle, similar triangle. Reason लिखना जरूरी है ना, value रखो, A1 कितना है 225 upon 81 which is equal to S1, find करना है, और S2 दैट इज 12 का स्क्वायर. अब थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये 15 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है और ये S1 का स्क्वायर है. टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये आएगा 15, ये बनेगा 9 और ये S1 अपॉन 12. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर लिखता हूं 9 इंटू S1 इज इक्वल टू 15 इंटू 12, सो S1 इज इक्वल टू 15 इंटू 12, मल्टीप्लीकेशन मत करो, डिवाइड बाय 9, 3 4 और 3 से यहां भी डिवाइड डिवाइड होता है, 3 5 आएगा, 5 4 20, सो S1 इज इक्वल टू 20 यूनिट है, गिवन है सेंटीमीटर. आंसर लिखना है, देयरफॉर साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, नो बिगर ट्रायंगल, साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, यूनिट है सेंटीमीटर में, ठीक है. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, दो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, एरिया का रेशियो गिवन है 1:2 एंड ए बी इज इक्वल टू 4, फाइंड डी. बहुत सिंपल है ये, तो दो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल, बता भी सकते क्योंकि हर एक इसका ईच एंगल इज 60 डिग्री, हर एक एंगल 60 का रहेगा, मतलब दो दो एंगल, तीनों एंगल कॉम्बिनेंट रहेगा, ए कॉम्बिनेंट टू बी, बी बी कॉम्बिनेंट टू ई और सी कॉम्बिनेंट टू एफ, ये ए टेस्ट भी लगेगा, फिर सिंपली ए टेस्ट लगा दो, ठीक है. तो इसको दो ट्रायंगल सिमिलर शो करते पहले फिर एरिया का रेशियो कंसेप्ट लेंगे. ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी डी और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल ई, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल एफ, ईच 60 डिग्री, ठीक है, हर एक का एंगल 60 रहेगा. नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल
DEF आपने नहीं भी प्रूव कर लिया होता, डायरेक्ट भी बता दिया होता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। इन दिस टू ट्रायंगल एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल डी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल ई, ए कॉन्ग्रुएंट टू डी, बी कॉन्ग्रुएंट टू ई, एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बस यहां से ये नहीं लिखा तो भी चलता, यहां से लिखा तो भी चलता, एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय ए एट एस दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो एंगल है ना, तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ बाय ए एट एस ऑफ सिमिलैरिटी, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अब एरिया का कांसेप्ट, हां एरिया गिवन है तो एरिया का कांसेप्ट, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर रेशियो ऑफ देयर एरिया एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ व्हिच इज इक्वल टू एबी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर, बस यही लेना है, क्या है यही दो है, बाकी बीसी स्क्वायर अपॉन ईएफ स्क्वायर छोड़ दो, एसी स्क्वायर अपॉन डीएफ स्क्वायर ये भी छोड़ दो, दैट इज एबी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर, रीजन लिखना है, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, तो देखो कितना ये दिस रेशियो इज गिवन, ये एरिया का रेशियो है 1 अपॉन 2 व्हिच इज इक्वल टू एबी कितना है 4, 4 का स्क्वायर और डीई का स्क्वायर, अब देखो ये 1 का स्क्वायर है, इसको रूट 2 का स्क्वायर लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, ठीक है, ये 1 का स्क्वायर और ये रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज 2 होता है, तो ये हो गया 4 स्क्वायर और अपॉन डी स्क्वायर, या फिर अलग तरीके से भी कर सकते हैं, इसको 16 लिखना है फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो वैसा भी कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, यहां लिख रहा हूं तो क्या आएगा दिखेगा नहीं, इधर लिख रहा हूं 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू 4 बाय 4 अपॉन डी, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो डी इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2, यूनिट नहीं है देख लो नहीं आएंगे, इस तरह आपको डी मिलेगा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है उसको देखते हैं, अभी 7th नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, 7th नंबर का प्रॉब्लम देख रहे हैं, सेगमेंट PQ पैरेलल टू डी, ये पैरेलल है ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया गिवन है 20 स्क्वायर यूनिट, और PF जो है DP के डबल है, PF इज इक्वल टू 2 टाइम्स DP, मतलब DP आपने अगर x लिया तो ये बनेगा आपका 2x और ये टोटल बनेगा 3x, DP प्लस PF ये टोटल बनेगा 3x और यहां से यहां तक है 2x, राइट। अब आपको ये जो क्वाड्रिलेटरल है DPQE इसका एरिया निकालना है, ये वाला पोर्शन, अब इसका एरिया चाहिए अगर आपको तो पहले ये पूरा ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहिए आपको, ठीक है, तो ये पूरा ट्रायंगल का एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस करोगे तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलेगा, मतलब सबसे पहले आपको ये जो ट्रायंगल है एफ डी ई का एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालोगे तो इसमें से ये माइनस कर दो क्योंकि इसका एरिया गिवन है 20 है, पी क्यू एफ या फिर एफ पी क्यू कुछ भी बोलो ये इसका एरिया गिवन है आपको, तो ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल का पहले एरिया निकालेंगे, अब देखते हैं उसका एरिया कैसे निकालना है, उसमें से ये माइनस कर दिया तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा, अब ये पूरा जो ट्रायंगल है एफ डी क्यू एफ डी ई उसका एरिया देखते हैं कैसे निकालते हैं, पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको फिलअप करेंगे, ठीक है, अपन अपने ढंग से सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल का एरिया गिवन है एफ पी क्यू या फिर पी क्यू एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ कितना गिवन है 20 स्क्वायर यूनिट, और पी एफ जो है पी एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी पी,
लेट डीपी इक्वल्स टू एक्स, डीपी अगर एक्स लिया तो पीएफ कितना बनेगा, जिसका डबल डीपी एक्स है तो ये 2x होगा, ठीक है, ये पूरा टोटल। अब डीएफ तो कितना बनेगा, डीएफ इज इक्वल टू डीपी प्लस पीएफ, दैट इज एक्स प्लस 2x मींस 3x, ये पूरा टोटल हो गया आपका 3x। ऐसे डायग्राम से भी अब क्या करना है आपको, ये दो ट्रायंगल सिमिलर शो करना है। कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर शो करोगे, एफ डी ई ये वाला और एफ पी क्यू, ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर शो कर दिया तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लेना है, बराबर है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे शो करोगे, अभी देखो यहाँ पैरेलल दिख रहा, ठीक है राइट, ये पैरेलल गिवन है ऑलरेडी, तो दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, या फिर ये भी ले सकते कॉमन, ये और ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉम्बिनेंट है, देयरफॉर दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एफ डी ई सिमिलर ट्रायंगल एफ पी क्यू। सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल शो करना है, फिर उसमें से एक ट्रायंगल का एरिया गिवन है तो दूसरे ट्रायंगल का एरिया मिलेगा, वही तो पहले निकालना है अपने को, ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इसके लिए आपको पहले दो ट्रायंगल सिमिलर शो करना है, ठीक है। अब देखते हैं कौन से दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एफ डी ई एफ डी ई एंड ट्रायंगल एफ पी क्यू एफ पी क्यू, इन दिस टू ट्रायंगल, ये एंगल का नाम बताओ एफ डी ई, एंगल एफ डी ई कॉन्ग्रुएंट एंगल एफ पी क्यू, एफ पी क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल है, और दूसरा ये इसका नाम एफ ई डी, एंगल एफ ई डी कॉन्ग्रुएंट एंगल एफ क्यू पी, एफ क्यू पी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, corresponding angles, we know that when two lines are parallel then corresponding angles are congruent, two lines are parallel, ये parallel given है तो ये corresponding angle congruent हो गए, तो ये दो triangle similar हो गए अभी by a test, therefore triangle FDE similar triangle FPQ by a test of similarity, and दो triangle similar है तो area का ratio, so area of triangle FDE upon area of triangle FPQ which is equal to FD square upon FP square, लेकिन नाम जो लिखा है ना DF PF लिखा है तो इस तरह लिख रहा हूँ, DF square upon PF square, reason रहेगा theorem of areas of similar triangle, सिमिलर ट्रायंगल ये रीजन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इसको निकालना है अपने को, एरिया निकालना है इसका, इसका तो गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू विच इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर, डी एफ कितना 3x, 3x का स्क्वायर अपॉन पी एफ, पी एफ कितना है 2x, 2x का स्क्वायर, ये हो गया आपका 9x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, दैट इज 9 अपॉन 4 ये आ गया, तो ये ट्रायंगल का एरिया इसका तो पता है अभी, है ना, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, एफ डी ई इज इक्वल टू एफ डी ई का एरिया, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इसका एरिया पता है, तो 9 बाय 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, यही लिख देता हूँ 9/4 इंटू एरिया गिवन है कितना 20 है, पी क्यू एफ या फिर एफ पी क्यू ये की है 20 है, ये 5 हो गया, कितना आ गया ये 45 स्क्वायर यूनिट, इस तरह मतलब ये जो ट्रायंगल है आपका एफ डी ई ये पूरा एरिया आ गया आपका, ठीक है। अब क्या करना है, ये पूरा एरिया में से ट्रायंगल का एरिया आ गया आपका, उसमें से ये वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन बचेगा पूरे एरिया में से, ट्रायंगल के एरिया में से ये माइनस कर दिया तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया
बचेगा तो वही तो निकालना है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE माइनस, यहाँ लिख देता हूँ जगह नहीं है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ। तो इसका एरिया कितना आ गया आपका 45 आ गया, माइनस FPQ का एरिया 20 क्यूबल है तो कितना बचेगा 25 स्क्वायर यूनिट। इस तरह आपको ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलेगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। शॉर्ट में एक बार देख लो फिर उसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, देखो ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको किसी भी हालत में, क्योंकि ये पूरा एरिया में से इसको अगर माइनस करोगे तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलेगा। अब इसका एरिया कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आपको ये दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर शो करना है। सिमिलर कैसे शो करोगे, बाय ए टेस दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो एरिया का रेशियो लिया, फिर दो ट्रायंगल सिमिलर है एरिया का रेशियो, एक का एरिया गिवन है इसका एरिया गिवन है आपको, इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे तो ये एफ डी ये ट्रायंगल का एरिया मिल गया आपको, ठीक है। और इसमें से ये माइनस कर दो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलेगा। अब उसको फिलअप करेंगे, देखो डीपी कितना लिया एक्स, तो पी एफ कितना हो गया, पी एफ है 2x, इसके डबल है, ठीक है। तो डी एफ इज इक्वल टू कोलिनियर है ये, तो ये एक्स, ठीक है, डीपी प्लस पी एफ दैट इज डीपी एक्स है और ये पी एफ है 2x, पी एफ बन गया 3x, बन गया कंप्लीट। अब दो ट्रायंगल लिया, एंगल एफ डी ई, एंगल एफ डी ई कॉन्ग्रुएंट एंगल एफ पी क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल, उसी तरह एफ ई डी कॉन्ग्रुएंट एंगल एफ क्यू पी करस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों, ठीक है। देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस, तो रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर अपॉन पी एफ स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो के बराबर। तो डी एफ कितना है 3x का होल स्क्वायर, पी एफ है 2x, देखो ना 2x का होल स्क्वायर, इसका हो गया 9x square अपॉन 4x square, और x square कैंसिल हो गया, दैट इज 9/4, ये डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है 9/4। अब ये जो रेशियो आ गया ये 9/4 है, इसका एरिया 20 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला एरिया मिलेगा 9/4 इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफपीक्यू 9/4, इसका एरिया कितना गिवन है 20 गिवन है, तो इसको डिवाइड कर दिया तो ये आ गया आपका 45 स्क्वायर यूनिट, मतलब ये जो बड़ा ट्रायंगल है इसका एरिया आ गया। अब पूरे ट्रायंगल में से ये माइनस कर दो, पूरा ट्रायंगल का एरिया 45 है माइनस 20 गिवन है, तो क्या बचेगा, ये दिखेगा नहीं, इधर लिखता हूँ कितना बचेगा 25 स्क्वायर यूनिट। इस तरह आपने ये एक्टिविटी कंप्लीट कर दिया। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये प्रॉब्लम काम का है, 4 मार्क्स के लिए भी हो सकता है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ स्टॉप कर रहे हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।